हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ जो कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हें फिर से लेकर आया हूँ। और इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, थ्योरी और मोटर मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये सब जितने भी यहाँ दिए हुए हैं उन सभी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी पदार्थ का चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता उसकी कहलाती है। किसी भी पदार्थ की ग्रहण करने की क्षमता होती है, जो चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता होती है, वो क्या कहलाती है? तो इस ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हिस्टेरेसिस, ऑप्शन बी है चुंबकत्व गुण, ऑप्शन सी है ससेप्टिबिलिटी और ऑप्शन डी है रिलक्टेंस। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनेमो क्या कार्य करता है? तो डायनेमो का कार्य बताना है क्या कार्य करता है। यांत्रिक ऊर्जा को सूर्य ऊर्जा में बदलता है, या ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, या ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायनेमो एक प्रकार के जनरेटर जनरेटर की भांति होता है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी मापक यंत्र की वैद्युतिक राशि को सही सही नापने की योग्यता का क्या कहलाती है? तो किसी मापक यंत्र की वैद्युतिक राशि को सही सही मापने की योग्यता क्या कहलाती है? तो सुग्राहिता कहलाती है, या ऑप्शन नंबर बी मैगर, या ऑप्शन नंबर सी क्लैम, या ऑप्शन नंबर डी यथार्थता। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यथार्थता कहलाती है। किसी वैद्युतिक राशि को सही सही मापने को यथार्थता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे वीडियो को प्रमोट मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर आप लोग लाइव क्लास के लिए लाइव क्लास करना चाहते हैं तो लाइव क्लास करने के लिए आप अगर चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको लाइव क्लास करना है, तो मैं लाइव क्लास शुरू करूंगा इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है किसी अर्धचालक पदार्थ में किसी अन्य तत्व को अशुद्धि के रूप में समावेशित करना क्या कहलाता है? किसी अर्धचालक पदार्थ में किसी अन्य तत्व को अशुद्धि के रूप में, यहाँ देखिए अशुद्धि के रूप में कह रहा है, तो अशुद्धि से डायरेक्ट आप अगर पढ़े होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि डोपिंग का मतलब होता है कि अशुद्धि के रूप में मिक्स करना अर्धचालक पदार्थ में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोपिंग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ प्रवर्धक की बैंडविड्थ घटाकर तापी शोर में क्या परिवर्तन लाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कम किया जाता है, ऑप्शन बी है बढ़ाया जाता है, ऑप्शन सी है समान रहता है, या फिर ऑप्शन डी दब जाता है। तो प्रवर्धक मतलब आप लोग जानते हैं एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर की बैंडविड्थ जो होती है वो घटाकर तापी शोर को कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार आए हैं वो बेल के आइकन को भी जरूर दबा देंगे। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है जब ट्रांजिस्टर संतृप्त होते हैं, मतलब कि जब ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में होता है तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बेस उत्सर्जक और कलेक्टर शून्य विभव पर होते हैं। ठीक, इसके बाद ऑप्शन बी है बेस एमिटर और कलेक्टर सभी समान विभव पर होते हैं। ठीक, इसके बाद एमिटर का विभव बेस और कलेक्टर के विभव से अधिक होता है, और ऑप्शन नंबर डी जो है कलेक्टर का विभव बेस और एमिटर के विभव से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेस एमिटर और कलेक्टर सभी समान विभव पर होते हैं, तब आपका ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में कहलाएगा, संतृप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी उपकरण में यांत्रिक गति को विद्युतीय सिग्नल में बदलने से शोर उत्पन्न होता है,
तो यह प्रभाव क्या कहलाता है? मतलब कि यदि किसी यांत्रिक गति को विद्युतीय सिग्नल में अगर बदलना हो तो जो भी शोर उत्पन्न होता है उसमें, तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इस पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी है कंपनी की प्रतिध्वनि, ऑप्शन सी है माइक्रोफोनिक और ऑप्शन डी है स्टीपेफोनिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टीपेफोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर की बायस वोल्टेज किस पर निर्भर करती है? तो ट्रांजिस्टर की बायस वोल्टेज जो है वो किस पर निर्भर करती है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आउटपुट की प्रकृति पर, ऑप्शन बी है सिग्नल स्रोत की प्रकृति पर, ऑप्शन सी है कलेक्टर धारा पर और ऑप्शन नंबर डी है उत्तेजक धारा पर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिग्नल स्रोत की प्रकृति पर ट्रांजिस्टर की बायस वोल्टेज निर्भर करती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, डायोड में पिन के पास बिंदु दर्शाता है। तो डायोड में पिन के पास कौन सा बिंदु दर्शाता है? ऑप्शन ए है, आप लोग जानते होंगे कि डायोड क्या काम करता है। ठीक है, तो ये देखिए एक प्रकार का डायोड है और इस तरह से डायोड में दो भाग बना होता है, एक भाग सफ़ेद होता है, एक भाग काला बना काले रंग का होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि पिन के पास किस बिंदु को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए एनोड, ऑप्शन बी है कैथोड, ऑप्शन सी है कलेक्टर और ऑप्शन डी है एमिटर उत्सर्जक। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैथोड। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से गर्म किए गए कैथोड में क्या होता है? फिलामेंट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक, और फिलामेंट हीटर का प्रयोग होता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन है फिलामेंट हीटर का प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है उच्च वोल्टेज का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से गर्म किए गए कैथोड में फिलामेंट हीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना प्रायः क्या कहलाता है? तो पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना प्रायः क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति कहलाती है, या फिर ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाती है, या ऑप्शन नंबर सी उष्मीय उत्सर्जन कहलाती है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन। मतलब पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना, जिसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किसी पदार्थ से अलग होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में पी किसको सूचित करता है? तो ट्रांजिस्टर में पी इलेक्ट्रॉन को सूचित करता है, या होल्स को करता है, या फिर दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ट्रांजिस्टर में आप देखें ट्रांजिस्टर किस तरह का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर मान लीजिए है, तो पीएनपी पी को आप जब भी देखेंगे, कोई भी ट्रांजिस्टर हो जो पी आपका बना होता है, वो पी में होल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, और ये वीडियो तो समझ लीजिए कि आप जो देख रहे हैं ये सभी ट्रेड के लिए, जो जिसने में भी इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक से मैच करते हैं जितने भी सब्जेक्ट, उन सभी में ये लाभकारी होगा आपका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रेडियो तरंगों की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3×10^6 m/s, ऑप्शन बी है 3×10^7 m/s, ऑप्शन नंबर सी है 3×10^8 m/s और ऑप्शन नंबर डी है 3×10^9 m/s। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3×10^8 m/s। और ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हर बार समझिए कि पूछे जाते हैं प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर हैं। तो अल्टरनेटर मतलब क्या होता है जानते होंगे आप लोग, अल्टरनेटर का हिंदी नाम प्रत्यावर्तक होता है, और अल्टरनेटर में दो टाइप के रोटर प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन किए जाते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए है सेलियंट पोल टाइप या बेलनाकार टाइप, ऑप्शन सी है दोनों सेलियंट पोल और बेलनाकार प्रकार के, और चौथा है जो ऑप्शन नॉन सेलियंट टाइप। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
सेलियंट पोल टाइप और बेलनाकार टाइप के प्रयोग किए जाते हैं रोटर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। तो जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, इसका फार्मूला आप जानते होंगे, तो क्या होता है, एन बराबर होता है, ठीक है, एन बराबर होता है क्या, एन बराबर होता है 120 एफ अपान, 120 एफ अपान होता है आपका पी होता है, ठीक है। यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो एक सौ एन बराबर होता है 120 अपान पी होता है, ठीक है, 120 एफ अपान। तो अल्टरनेटर की गति पर निर्भर करती है, ठीक, और अल्टरनेटर के ध्रुवों पर, ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है, या फिर अल्टरनेटर के प्रकार पर निर्भर करती है, या ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों पर निर्भर करती है। तो इसी फार्मूला से आप इसका निकाल सकते हैं कि आवृत्ति जो है वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि अल्टरनेटर की गति पर, गति यहाँ पर एन हो गया और पी आपका ध्रुव हो गया, ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या क्या बातें पर ध्यान रखनी चाहिए। ये यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, इम्पीडेंस ड्रॉप जो होता है उसकी परसेंटेज समान होनी चाहिए, ठीक, और इसके अलावा ऑप्शन बी है, वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है, ध्रुवता समान होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए आपको ये तीनों बातें को बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, ये तीनों बातें आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लोडेड हो तो प्राइमरी धारा पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लोडेड हो तो प्राइमरी धारा पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रभावित नहीं होगी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, अधिक धारा लेगी, ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी धारा से कम धारा लेगी, और ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी धारा के कारण ली गई धारा की अतिरिक्त मात्रा और शून्य लोड धारा का सदिशी जोड़ खींचेगी, ठीक है, यहाँ यह होगा, ठीक है, तो सदिशी जोड़ खींचेगी। यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लोडेड अगर हो, सेकेंडरी पर अगर लोड दिया गया है तो प्राइमरी धारा पर क्या असर पड़ेगा, तो ये सेकेंडरी धारा के कारण ली गई धारा के अतिरिक्त मात्रा और शून्य लोड धारा का सदिशी जोड़ खींचेगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, इसके बाद आगे देखते हैं, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना न भूलिएगा इसे। ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी है, वोल्टेज को उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, या ऑप्शन डी, समान स्तर पर परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना, ये ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला देखिए दिया हुआ है, अभ्रक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है। तो अभ्रक का विशिष्ट प्रतिरोध शून्य होता है, या फिर कम होता है, या बहुत कम होता है, या फिर बहुत अधिक होता है। तो अभ्रक का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो तांबा की प्रतिरोधकता निम्न होती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम की, या फिर ऑप्शन नंबर सी, लोहा की, ऑप्शन नंबर डी, सीसा की। तो यहाँ पर जो सही होगा, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, तो तांबा की प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं, एक ऐसा यंत्र जो फोनो रिकॉर्ड में संग्रहित ध्वनि प्रभाव से ध्वनि को पुनरुत्पादित करता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है, रिकॉर्ड प्लेयर, ऑप्शन पी बी है, पिकअप, ऑप्शन सी है, टर्न टेबल, ऑप्शन डी है, ट्रिपिंग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिकॉर्ड प्लेयर। रिकॉर्ड प्लेयर एक ऐसा यंत्र है जिस जो फोनो रिकॉर्ड में संग्रहित ध्वनियों ध्वनि प्रभाव से ध्वनि को पुनरुत्पादित करता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं, सॉरी, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन मिक्सर क्या है। तो माइक्रोफोन मिक्सर क्या है, यहाँ पर बताना है माइक्रोफोन मिक्सर क्या है। ऑप्शन ए है, एक प्रकार का रिकॉर्डर है।
या ऑप्शन बी एक प्रकार का एएफ ड्राइवर एम्पलीफायर है, या फिर ऑप्शन नंबर सी एक केवल ए, और या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक प्रकार का एएफ ड्राइवर एम्पलीफायर है, माइक्रोफोन मिक्सर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कैमरा ट्यूब के प्रकार हैं? कैमरा ट्यूब के प्रकार कौन से हैं? इमेज आर्थिकॉन, ऑप्शन बी वीडियो कॉन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी आक्नोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इमेज आर्थिकॉन, वीडियो कॉन ट्यूब और आक्नोस्कोप, ये तीनों कैमरा ट्यूब के प्रकार हैं। और ठीक है, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। और अगर आप ये सब जितने भी वीडियो देख रहे हैं इसके पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, तो इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एक वेबसाइट, उसी वेबसाइट पर जाकर आप नोट्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, किसी चित्र का प्रभाव मानव के दृष्टि पटल पर कितने समय तक रहता है? तो किसी चित्र का प्रभाव मानव के दृष्टि पटल पर कितने समय तक होता है? 5 सेकेंड तक, ऑप्शन बी 1/5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 16 सेकेंड। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो 1/16 सेकेंड मानव दृष्टि पटल पर होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेडिंग किन कारणों से होती है? फेडिंग किन कारणों से होती है? एबीसी परिपथ खुला न होने से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है एरियल टाइट होने से, ऑप्शन नंबर सी है एक प्रकार बैटरी कमजोर होने से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, फेडिंग किन कारणों से होती है? तो बैटरी कमजोर होने पर फेडिंग होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों को पैदा करने और उन्हें संकेत तरंग से मॉड्यूलेट करके अंतरिक्ष में फैलाने वाला उपकरण कहलाता है। तो रेडियो तरंग जो संकेत को मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेट करने के बाद उसे अंतरिक्ष में फैलाने का कार्य करता है, वो उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ट्रांजिस्टर है, ऑप्शन बी है ट्रांसमीटर, ऑप्शन सी है अमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है ऑसिलेटर। तो ट्रांसमीटर के द्वारा आप रेडियो तरंगों का फैला सकते हैं और उसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ठीक है, संकेत को भेज सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोपा क्या है? मोपा के बारे में बताना है, एक प्रकार का ट्रांसमीटर है, या फिर ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार का एम्पलीफायर है, या फिर ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का सर्किट है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और एक प्रकार का एम्पलीफायर है मोपा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पोनो रिकॉर्ड का पूरा प्ले समाप्त हो जाने के बाद मोटर तथा एम्पलीफायर को स्विच ऑफ करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो पोनो रिकॉर्ड का पूरा प्ले जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद एम्पलीफायर को ऑफ करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ऑप्शन ए है पोनो रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है ट्रिपिंग, ऑप्शन सी है पिकअप, और ऑप्शन नंबर डी है प्लेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिपिंग। ट्रिपिंग के माध्यम से एम्पलीफायर का स्विच ऑफ किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है, बड़े व्यास के डायफ्राम वाला लाउड स्पीकर क्या कहलाता है? तो बड़े व्यास के डायफ्राम वाला लाउड स्पीकर बूफर कहलाता है, या ट्विटर कहलाता है, या ट्विस्टर होगा, ठीक है, या मिरर कहलाता है, या फिर स्पीकर कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बूफर, बड़े व्यास के डायफ्राम वाला लाउड स्पीकर बूफर कहलाता है। इसके बाद अगला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है ये, ध्वनि की तीव्रता व्यक्त की जाती है तो किस में व्यक्त की जाती है? मीटर में, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी हर्ट्स में, या ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में ज्ञात की जाती है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉलम स्पीकर क्या है? कॉलम स्पीकर क्या है? छोटे एवं बड़े व्यासों वाला सेमी
संयोजित स्पीकर्स हैं। कॉलम क्या है? छोटे एवं बड़े व्यासों वाला संयोजित स्पीकर्स है, या फिर ऑप्शन नंबर बी बड़ा स्पीकर्स है, या छोटा स्पीकर्स है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटे एवं बड़े व्यासों वाला संयोजित स्पीकर्स को कॉलम कहते हैं, कॉलम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय, चुंबकीय विधि से, ये देखिए ई के मात्रा होगा यहाँ पर, ठीक है, चुंबकीय विधि से ध्वनि कैसे एकत्र की जाती है? तो ग्रामोफोन द्वारा एकत्र की जाती है, या फिर ऑप्शन बी है सेल्यूलर टेप पर चुंबकीय कणों की पुनर्व्यवस्था कर, तो यहाँ पुनर्व्यवस्था के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है वाद्य यंत्रों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक विधि द्वारा। तो चुंबकीय विधि से ध्वनि कैसे एकत्र की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलुलेट टेप पर चुंबकीय कणों की पुनर्व्यवस्था के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन माइक्रोफोन के लिए किसका होना आवश्यक है? तो कार्बन माइक्रोफोन के लिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, किसका होना आवश्यक है, सेल का होना आवश्यक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी बैटरी का, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टल का, और ऑप्शन नंबर डी जो है हेडफोन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैटरी का, कार्बन माइक्रोफोन के लिए बैटरी का आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिबन माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रिबन माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी कॉर्क के स्क्रू के नियम पर कार्य करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के नियम पर कार्य करता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बैंड बीट्स का तात्पर्य है, तो किससे तात्पर्य है? बैंड बीट्स क्या होती है? बैंड बीट्स की चौड़ाई, ऑप्शन नंबर बी बैंड बीट्स की लंबाई होती है, या ऑप्शन नंबर सी बैंड बीट्स की मोटाई होती है, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंड बीट्स का मतलब ही होता है, बीट्स मतलब चौड़ाई होता है, आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बैंड बीट्स की का तात्पर्य बैंड बीट्स की चौड़ाई से होता है, चौड़ाई से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफएम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एफएम के संदर्भ में एफएम चैनल अधिक चौड़ी होती है, ठीक, इसका ऑप्शन बी देखते हैं। एफएम प्रणाली के रिसीवर तथा ट्रांसमीटर परिपथ जटिल होते हैं, और ऑप्शन नंबर सी एफएम केवल शॉर्ट वेव और माइक्रोवेव बैंड में ही प्रयोगनीय है, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ये सभी चीज़ें एफएम के संदर्भ में सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा रेक्टिफायर सर्किट जो रेक्टिफिकेशन के साथ ही दिए गए वोल्टेज को दोगुना भी कर देता है क्या कहलाता है? तो ऐसा रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जो कि एसी को डीसी में बदलता है, रेक्टिफायर के ही मदद से एसी को डीसी में बदला जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेक्टिफायर सर्किट जो रेक्टिफिकेशन के साथ ही दिए गए वोल्टेज को दोगुना भी कर देता है क्या कहलाता है? पावर सप्लाई यूनिट कहलाता है, या बैटरी एलिमिनेटर कहलाता है, या फिर वोल्टेज डबलर कहलाता है, या वोल्टेज मल्टीप्लायर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वोल्टेज को दोगुना भी कर देता है रेक्टिफिकेशन करने के साथ ही, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वोल्टेज डबलर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर की रिफिल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? तो इसका देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है 150 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी है 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका आप लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो है फुल वेव रेक्टिफायर की रिफिल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ठीक,
फुल वेव रेक्टिफायर की रिफिल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 100 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है 200 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है 50 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 हर्ट्ज होता है फुल वेव रेक्टिफायर्स की रिफिल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेट्रोड ट्रांजिस्टर में कितने संयोजक सिरे होते हैं? ऑप्शन ए है 3 होते हैं, या फिर ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन नंबर डी 2 होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेट्रोड, आप लोग टेट्रोड ये नाम से ही टेट्रा समझ में आ रहा है, मतलब कि चार, टेट्रा मतलब चार होता है, तो ये एक तरह से ट्रिक है इसका, टेट्रोड ट्रांजिस्टर में 4 पिन होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर डाटा से तात्पर्य क्या है? ठीक, ट्रांजिस्टर डाटा किसे कहते हैं? तो अधिकतम कलेक्टर करंट को कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी शक्ति व्यय को कहते हैं, या फिर बेस करंट को कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी को। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर डाटा से तात्पर्य क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधिकतम कलेक्टर करंट, शक्ति व्यय एवं बेस करंट तीनों से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन कलेक्टर परिपथ में उच्च इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है? कॉमन कलेक्टर यहाँ पूछा हुआ है। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर का उच्च इनपुट इम्पीडेंस कितना होगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 150 से 600 किलो ओम, ऑप्शन बी है 200 से 602 किलो ओम, ऑप्शन नंबर सी है 100 से 500 किलो ओम, और ऑप्शन नंबर डी है 100 से 650 किलो ओम। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 150 से 600 किलो ओम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी ट्रांजिस्टर का तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो सामान्यतः यह किसकी भांति व्यवहार करने लगता है? तो यदि किसी ट्रांजिस्टर का तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो सामान्यतः यह किसकी भांति व्यवहार करने लगता है? ऑप्शन ए है चालक की भांति, ऑप्शन बी है अचालक की भांति, ऑप्शन नंबर सी है सीमित शक्ति संचालन की भांति, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ तापक्रम देखिए, ट्रांजिस्टर का तापक्रम 80 डिग्री से मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो वो चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समांतर रेजोनेंट सर्किट की क्या विशेषता होती है? समांतर रेजोनेंट सर्किट की क्या विशेषता होती है? तो उच्चतम इम्पीडेंस होता है, या फिर न्यूनतम इम्पीडेंस होता है, या ऑप्शन नंबर सी उच्चतम सर्किट करंट होता है, और ऑप्शन नंबर डी कॉस 5 = 0 होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्चतम इम्पीडेंस होता है, मतलब कि समांतर रेजोनेंट सर्किट की विशेषता ये होती है कि उसकी प्रतिबाधा जो होती है वो हाई होती है। आप लोग इस तरह का एक फिगर देखे होंगे, जो कि ये फिगर बना होता है, तो ये बैंड बिट्स, इसका इतना दूरी हो जाता है, ये बैंड बिट्स हो जाता है, और ये उच्चतम इम्पीडेंस यहाँ पर बताना है। तो उच्चतम इम्पीडेंस ये हुआ जो कि समांतर में प्रतिबाधा इसकी उच्च होती है। ठीक है, और यहीं पर एक चीज़ और पूछ आ जाता है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समांतर रेजोनेंट में न्यूनतम क्या होती है। ठीक है, तो न्यूनतम क्या होती है यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रेणीबद्ध आरएलसी परिपथ का इम्पीडेंस सूत्र क्या होगा, मतलब प्रतिबाधा का सूत्र क्या होगा आरएलसी परिपथ जब होता हो? तो जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, या जेड बराबर आर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, या जेड बराबर आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, या ऑप्शन नंबर डी जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस कोस्ट में एक्सएल माइनस एक्ससी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो, यहाँ देखिए एक मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जेड बराबर आर स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में रहेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, दो लंबी एल्युमिनियम की ऐसी पट्टियाँ
दो लंबी, मान लीजिए दो एल्युमिनियम की ये पट्टियां हैं, और इन्हें मोमी कागज, मतलब कि ये ऐसा कागज जो मोम से बना हो, मतलब कि मोम लिपटा हुआ हो जिस कागज पर, के द्वारा पृथक पृथक रखा गया हो और लपेट कर एक बेलनाकार बना दिया गया हो, बेलनाकार कर दिया गया हो, इसके ऊपर वो कागज, मोमी कागज लपेट दिया गया हो, तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पेपर कैपेसिटर कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी माइका कैपेसिटर, या ऑप्शन नंबर सी स्टायरो फ्लैक्स, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेपर कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपर्युक्त में से कैपेसिटेंस का कौन सा प्रभाव सत्य है? ठीक, तो कैपेसिटेंस का प्रभाव बताना है, या और इसका ऑप्शन देख लेते हैं, या वोल्टेज मान परिवर्तन का विरोध नहीं करता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज करंट से 90 अंश पिछड़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर में स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के रूप में वैद्युतिक आवेश अलग हो जाता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कैपेसिटेंस का कौन सा प्रभाव सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्टेज करंट से 90 अंश पीछे होता है, मतलब कि करंट वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर वायु कोर अथवा लौह चूर्ण कोर वाले होते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर वायु कोर और लौह चूर्ण कोर वाले होते हैं? तो इसका ऑप्शन है IF ट्रांसफार्मर, और ऑप्शन बी है RF ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है केवल ए, और ऑप्शन नंबर डी है ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए व बी, मतलब IF ट्रांसफार्मर और RF ट्रांसफार्मर ये दोनों होते हैं, और जो कि ये ट्रांसफार्मर कहाँ लगे होते हैं, ये ट्रांसफार्मर पावर प्लांट में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात क्या कहलाती है? ठीक, कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात क्या कहलाती है? तो चरम गुणांक कहलाती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी डिप्रेशन गुणांक, या ऑप्शन नंबर सी यूटिलाइजेशन फैक्टर उपयोग गुणांक, या ऑप्शन नंबर डी क्षरण गुणांक। तो क्या कहलाती है? कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षरण गुणांक कहलाती है, मतलब लीकेज फैक्टर कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ये भू परावर्तित तरंगों से क्या तात्पर्य है? तो भू परावर्तित तरंग से क्या तात्पर्य है, यहाँ भू परावर्तित तरंग का परिभाषा आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वह रेडियो तरंग जो किसी रिसीविंग स्टेशन पर किसी पर्वत से परावर्तित होकर पहुंचती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो पृथ्वी तल से 10 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान होती है। ठीक, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है जो रेडियो तरंगे दृश्य रेखा में फैलती है, या ऑप्शन नंबर डी तो उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा भू परावर्तित तरंगों से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वह रेडियो तरंग जो किसी रिसीविंग स्टेशन पर किसी पर्वत से परावर्तित होकर पहुंचती है, तो वो भू परावर्तित तरंग कहलाती है। इस तरह से आज के 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। आप लोग फेसबुक पर मुझे यहाँ नीचे लिंक दिया हुआ है, इस पेज को लाइक कीजिए, वहाँ पर आपको सारे तरह के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ से आप लोग नोट्स ले लें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं नोट्स तो वो आपको वेबसाइट लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।